जनपद के कस्बा गढ़ी पुख्ता कस्बे के बाजार में स्थित एक ही कॉस्मेटिक की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट लगने के कारण आग लग गई। आग इतना विकराल रूप ले लिया कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया। लगभग 15 से 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर आग हुआ। आपको बता दें, जनपद गढ़ के कस्बा गढ़ी पुख्ता निवासी आरिफ के कस्बे के बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान है। उसके दो बहनों की शादी कुछ दिनों बाद होनी थी। उसकी शादी का सामान भी उसे दुकान में रखा था, जो जलकर राख हो गया। आरिफ पुत्र साजिद दुकान के ऊपर अपने परिवार के साथ रहते हैं। रात्रि लगभग 1 बजे के परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। अचानक से नीचे दुकान में कॉस्मेटिक के जलने की स्मेल आई। तभी आरिफ पुत्र साजिद नीचे आ गए, देखा तो दुकान के बाहर शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी हुई है। इन लोगों ने शोर मचाया, आसपास के दुकानदार आए और गढ़ी पुख्ता थाने को सूचना दी। मौके पर दमकल की टीम तब जाकर आग बुझाई। आरिफ पुत्र साजिद का कहना, हमारी दुकान के आगे शॉर्ट सर्किट बॉक्स लगा हुआ है, आए दिन इसमें स्पार्किंग होती रहती है। इसकी सूचना बिजली विभाग को कई बार दे चुके हैं, गढ़ी पुख्ता बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। शॉर्ट सर्किट के कारण दुकान में आग लगी। नवरात्रि व दीपावली के त्यौहार आ रहे हैं। आरिफ अभी 2 दिन पहले करीब 4 लाख रुपए का कॉस्मेटिक सामान भी लाया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।